नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल मेडिसिन फ्रेंड में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रोनिस 20 टेबलेट्स के बारे में और जानेंगे इसके फ़ायदे, नुकसान और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। बात करें दोस्तों ड्रोनिस 20 टैबलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में, तो ज़्यादातर डॉक्टर ये दवा महिलाओं को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये दवा प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है और प्रेग्नेंट होने से बचाता है, तो इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इस टैबलेट को पीरियड्स के बाद होने वाले प्रॉब्लम में, ऑस्टियोपोरोसिस के होने वाले प्रॉब्लम में ले सकते हैं। फीमेल हाइपोगैराइडिज्म में, अंडाशय में गांठ बनने के प्रॉब्लम में, मुहासों में PCOS यानी पॉलिस्टिक ओवारी सिंड्रोम में प्रेगनेंसी से बचने के लिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस में, इन सब प्रॉब्लम में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ हार्मोन्स डिसबैलेंस में और मुहासों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों आइए पहले जानते हैं ड्रोनिस 20 टैबलेट्स कौन सी कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस क्या है और इसके अंदर कंपनी ने कौन कौन से कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ड्रोनिस 20 टैबलेट्स को सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसकी प्राइस है 335 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और ये 24 टैबलेट के स्ट्रिप में आता है। बात करें दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में, जो कंपनी ने इसमें ऐड किया है वो है ड्रोस्प्रियोन 3 mg, एथिनिल स्टेरिडियोल 0.02 mg, जो मिल के बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन जाती है। बात करें दोस्तों इसके डोजेस के बारे में, तो आप इसे दिन में एक टैबलेट लेना है, किसी भी टाइम इस टैबलेट को ले सकते हैं। अगर आप सुबह ले रहे हैं तो कुछ खाना खाने के बाद आप इसे पानी के साथ इजीली ले सकते हैं। 24 डेज तक आपको लेना है। डॉक्टर इस टैबलेट को 3 मंथ्स कंटिन्यू खाने की सलाह देते हैं। बात करें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको वॉमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टोमच में पेन हो सकता है, आपके ब्रेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, आप डिप्रेस हो सकते हैं, पेट में गैस बन सकता है, हेडेक हो सकता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस टैबलेट का सेवन तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। ये था दोस्तों ड्रोनिस 20 टैबलेट्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।